फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इलाहाबादी गर्ल बबीता राज। मैं बबीता। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज फिर एक वीडियो के साथ आई हूँ और ये वीडियो भी होम रेमेडी पे ही है, हम लोग की स्किन केयर पे ही है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो कोई फेस पैक भी नहीं है, कोई उपटन भी नहीं है। आज का जो वीडियो में जो होम रेमेडी लाई हूँ वो एक तरह से सीरम है। मैं सीरम बनाऊंगी और वो फेस के लिए बहुत ही अच्छा होगा। आप जिनको अपने फेस पे ग्लो चाहिए, गोरा चाहिए, जिनका कलर धीरे धीरे डार्क होता जा रहा है और उनको अपने कलर को गोरा करना है, शाइन करना है, ग्लो लाना है, उनके लिए ये सीरम मैं बनाई हूँ। और ये सीरम मैं खुद भी यूज करती हूँ और बहुत ही अच्छा सीरम है। इसको यूज कीजिएगा, एक वीक तो आप यूज करके ही देखिएगा और ये फ़र्क आपको दिखेगा। आजकल तो एज के पहले हम इन लोग की स्किन जो होती है ढीली हो जाती है और स्किन बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, कहीं डार्क कहीं लाइट। और ये आंखों के नीचे आप देखोगे आजकल सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो आंखों के नीचे हम लोग का डार्क लाइनें पड़ जाती हैं और आंखों के नीचे कालापन होता है, ये पूरी तरह से दूर करेगा। कहीं डार्क कहीं लाइट जो स्किन होगी उसको दूर ये करेगा। और ये उन लोग के लिए जिनका कलर काफ़ी डार्क है उनके लिए मैं ये सीरम बनाई हूँ। और ये सीरम मैं बना के रखी हूँ, आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। और फ्रेंड्स, ये जो मैंने सीरम बनाया है ये चावल का पानी है, जिसे माड़ भी कहते हैं। तो चलिए पहले चावल का पानी बनाना बताते हैं कि चावल का पानी हमें कैसे निकालना है, कितना गाढ़ा कितना पतला चाहिए, तो फिर उसके बाद मैं बताती हूँ। यहाँ मैंने चावल ले लिया है, साफ़ कर लिया है। ये नॉर्मली चावल है, कोई इंडिया गेट या कोई बासमती चावल ये नहीं है। और इसे मैं धुल के साफ़ करके कम से कम 25 से 30 मिनट रख दूँगी, जिससे इसके पोषक तत्व जो होंगे इसमें पानी में घुल जाएँ अच्छी तरह से। इसके बाद हम 30 मिनट बाद इसे हम पकने के लिए रखती हैं। ये देखिए ये पक रहा है। और चावल को भी हमें और भी पकाना है, इसलिए मैं इस चम्मच को इसी में डाल के छोड़ देती हूँ, जिससे पानी इसका बाहर ना आए उबल के। तो मैं आपको बता दूँ, मैं इंडिया गेट या बासमती चावल इसलिए नहीं ली हूँ क्योंकि आप लोगों ने देखा हो गया उसके ऊपर एक अलग सी साइन और चमक होती है, तो उसके ऊपर एक पॉलिश चढ़ाई जाती है, तो इसलिए मैं उस चावल को नहीं लेती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, चावल पक चुके हैं और यही पानी हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा बहुत ज़्यादा पतला नहीं। तो चलिए हम लोग पानी निकाल लेते हैं। तो पानी को बहुत ही आराम से आप निकालिएगा क्योंकि जब स्टीम निकलता है तो हाथ जलने का बहुत डर होता है। और ये देखिए मैं निकाल रही हूँ, भगोने को कपड़े से पकड़ के आराम से निकाल रही हूँ क्योंकि स्टीम जब हाथों पर आता है तो हाथ जलने का भी डर होता है। तो ये पानी निकल जाएगा, इसको 25 से 30 मिनट ठंडा। तो ये देखिए हमारा पानी ठंडा हो चुका है। तो चलिए अब हम बनाते हैं सीरम। तो यहाँ मैंने विटामिन सी का टैबलेट लिया फ्रेंड्स, ये देखिए विटामिन सी का टैबलेट है। और इस सीरम में हम विटामिन सी का टैबलेट डालेंगे। अगर आपको विटामिन सी का टैबलेट नहीं मिल रहा हो और आप नहीं डालना चाहते हो तो इसको स्किप करके आप विटामिन ई की कैप्सूल डाल सकते हो, यह भी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। मगर मैं यहाँ विटामिन सी का टैबलेट डाल रही हूँ। और एक छोटा सा मैंने यहाँ पर बाउल लिया है। अब हमें क्या करना है, मैं यहाँ एक विटामिन सी का टैबलेट लूँगी और इसे क्रश करना है। तो ये चलिए यहाँ एक विटामिन सी का टैबलेट मैं ले लेती हूँ। तो इसे मैं यहीं पे पैकेट में इसको क्रश कर रही हूँ क्योंकि एक्स्ट्रा निकल जाता है तो मुझे नहीं अच्छा लगता है कि कोई थोड़ा सा भी वेस्ट हो। तो ये क्रश हो चुका है, इसे पैकेट को हल्का खोल लेते हैं और अब चलिए सीरम बनाते हैं। तो यहाँ पर मुझे एक हफ्ते के लिए मैं सीरम बना रही हूँ। तो मैं यहाँ 15 से 20 चम्मच पानी लूँगी चावल का और ये मैंने ले लिया है। और इस टैबलेट को मैं इसमें डाल देती हूँ और इसे डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हमें घुलना है, मतलब टैबलेट पानी में अच्छी तरह घुल जाए। इसे घुलने में कम से कम 3 से 4 मिनट लग जाते हैं। और ये देखिए डाल दिया है मैंने और इसको अच्छे से घोल लेते हैं। और आपको पता ही है विटामिन सी हम लोग के लिए कितना अच्छा होता है, स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है और ये हम लोग की स्किन पर एक अलग सा ग्लो और शाइन लाता है। और ये देखिए घुल चुका है, अभी अच्छी तरह से घुल चुका है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है आप पानी का ये देखिए। और हमारा सीरम बनके रेडी है। तो चलिए इसको, यहाँ पे मैंने स्प्रे वाली बोतल ली है, आपको ये मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, 30-35 रुपए में मिल जाएगा। और आपके पास घर पे भी हो तो और भी अच्छी बात है। और इसको मैंने पहले से साफ़ कर लिया है, अच्छे से मैंने काफ़ी साफ़ कर लिया है। तो चलिए इसके अंदर हम ये सीरम डाल देते हैं और यहाँ मैं धीरे धीरे इसमें डाल रही हूँ। आपको जैसे आसानी हो, आप जैसे डालना चाहो आप वैसे डालो। मैं यहाँ चम्मच से डाल रही हूँ। मैं यहाँ इसको बना करके एक हफ्ते के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख लूँगी।
फ्रेंड्स ये देखिए हमारा सीरम बनके रेडी हो चुका है। इसे हम हल्का हिला लेंगे फेस की सभी प्रॉब्लम खत्म करने के लिए और आपके कलर को निखारने के लिए, डायमंड जैसा चमक लाने के लिए, दाग धब्बे दूर करने के लिए। तो चलिए इसको अप्लाई करना हम बताते हैं, इसे कैसे अप्लाई करना है। फ्रेंड्स आप जानते हो ये जो टैबलेट मैंने इसमें डाला विटामिन सी का, ये स्किन के लिए कितना अच्छा होता है। स्किन पे बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, उन सबको ये जो विटामिन सी का टैबलेट होता है बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है हम लोग की स्किन पे जाके। तो वैसे तो आपको मार्केट में विटामिन सी का सीरम भी मिल, जो सीरम है सबके लिए है, 15 साल की एज के बाद सभी इसको यूज कर सकते हैं, सब गर्ल्स बॉयज सभी। जब रात में आप सोने जा रहे हो तो फेस को पहले अच्छे से क्लीन करना, बिल्कुल अच्छे से साफ कर लेना, टॉवल से पोंछ लेना, उसके बाद सीरम आप लेना। यहाँ पे इसको स्प्रे मारना है। स्प्रे मारने के बाद आपको 1 मिनट तक इसको मसाज देना है, जब तक ये इसका पानी अच्छी तरह हम लोग की स्किन पे जाके सेट ना हो जाए, और बस अब कुछ नहीं करना है। इसके बाद आप चाहो तो जो भी नाइट क्रीम यूज करते हो वो भी लगा सकते हो। और ये देखिए मैंने इसको सेट कर दिया पूरी तरह से। फ्रेंड्स आप जानते हो चावल में इतने पोषक तत्व होते हैं जो हम लोग की स्किन को ग्लो करता है, शाइन करता है, एक तरह से हम लोग को कलर फेयर करता है। और विटामिन सी के बारे में आप लोग जानते हो, विटामिन सी हम लोग की स्किन के लिए कितना अच्छा, दोनों एक साथ जब मिक्स हो जाते हैं तो फेस पे क्या जादू लाएंगे ये तो आप लोग को पता ही है। तो एक बार आप लोग इस सीरम को जरूर ट्राई करो। उन लेडीज के लिए बहुत अच्छा सीरम है जो जॉब करती हैं, क्योंकि उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि वो फेस पैक बनाए फिर अपने फेस पे लगाए, उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, क्योंकि उनको घर भी देखना होता है, ऑफिस भी देखना होता है। तो ये उनके लिए बहुत अच्छा, आप एक बार इसको बना करके स्टोर करके रख लो 1 वीक के लिए। तो कभी कभार इसको मैं फ्रेंड्स दिन में भी लगाती हूँ, आप चाहो तो रात में भी लगाओ, चाहो तो दिन में भी लगाओ। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे वीडियो बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स पसंद आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल को भी आप क्लिक कर दिया करिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मेरे स्किन रूटीन के बारे में जानना चाहते हैं। मेरा स्किन रूटीन कुछ खास नहीं है फ्रेंड्स, मैं आपको अपने स्किन रूटीन के बारे में ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि मेरे पास बहुत ही कम टाइम रहता है वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मेरा बेबी छोटा है, मुझे उसे भी देखना होता है। तो मैं जल्दी अपने स्किन केयर आप लोग से शेयर करूँगी कि मैं अपने स्किन के लिए क्या करती हूँ। तो पहले तो बता दूँ मैं अपने स्किन के लिए बहुत कुछ नहीं करती हूँ, मैं स्किन के लिए जो भी करती हूँ होम रेमेडी करती हूँ। हाँ बाहर की चीज़ें मुझे भी पसंद है, अभी कोई मेरे को भी बोल दे यार इसको लगा लो आप बिल्कुल अलग से दमकोगे चमकोगे, तो मैं भी उसको लेती हूँ। लड़कियों की आदत होती है कि मैं जानती हूँ कि कोई कुछ कह देता है कि ये चीज़ काम करेगी, तो हम लोग की आदत है कि हम लोग उसको लाते हैं, तो मेरे भी लाती हूँ, करती कुछ नहीं हूँ ये बता दूँ मैं आपको। तो मैं जल्दी आप लोग के साथ अपने स्किन रूटीन का वीडियो शेयर करूँगी। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय बाय फ्रेंड्स।